हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पॉलीनोमियल्स का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं ना। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है ना। इसमें शून्यांकों का योग तथा गुणनफल की वैल्यू हमें क्या है ना, गिवन है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1/4 -1 एंड सेकेंड है अंडर रूट 2/3, थर्ड है 0 अंडर रूट 5 है ना, फोर्थ है 1/1, फिफ्थ है -1/4 है ना, सिक्स 4 and 1 7, -3 and 2 8, -1 और अंडर रूट 5 है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपको ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वेयर जो फॉर्मूला है आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। तो यहाँ रखोगे आप एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू जीरो, क्या 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो 4x² हो गया, एंड x और 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो +-1, सो 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0 है ना। अब क्वेश्चन टू क्या है, x² - α + β (x + α) = β इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अंडर रूट 2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। x² - ठीक है, यहाँ वैल्यू रखोगे अंडर रूट x +1/3 इज इक्वल टू 0, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 3x² - 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना पड़ेगा 3√2x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें 0 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अंडर रूट 5 है, ठीक है। x² - α (β) (x+α) = 0, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखेंगे अल्फा इंटू बीटा 0 है तो 0x+α(β) की वैल्यू √5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, गिवन है 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, इसकी भी 1, तो x² - 1x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 1/4, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप -, तो प्लस यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है x² + 1/4x + 1/4 इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 4x² हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो x बचेगा, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 0 है ना। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, x² - α + β इंटू x+α(β) इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 1, ठीक है। x² - α + β की वैल्यू हमने 4 रखा तो 4x+α(β) 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6 x² 7th है, x² - α + β (x+α) = 0 है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे -, प्लस, इसलिए मैंने यहाँ प्लस कर दिया, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्लस है तो +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x² - α + β (x+α) = 0, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे -1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है, ठीक है, √5 है। तो x² - (−+), तो +1x + α(β) की वैल्यू √5 = 0, ठीक है। ये पार्ट 4 है।